हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर से ही रिलेटेड, बट थोड़ा सा हट के है। ये जो टॉपिक है आपका एसएससी कंपटीशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके ऊपर है। ये एसएससी में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का अभी नवंबर में होना है, उसके कुछ क्वेश्चंस के आपको आइडियाज़ दिए जाएंगे और उसके फिर सॉल्यूशन, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये सारी वीडियो उसके ऊपर। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मुझे आइडिया मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है जिसका नाम मुकुल है। तो बनाने तो वाली मैं थोड़ा सा सीरीज़ में सीक्वेंस में ही बनाती, अभी वर्ड के ऊपर चलती, बट अभी कुछ रिक्वायरमेंट थी तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो ये सारा हमने जो भी वर्क है इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस और उस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर है। यह इसमें सॉल्यूशंस हमने मैक्सिमम कोशिश करी है कि सारे ही हम आपको समझा सकें। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जिनका आपको डाउट है, थोड़ा सा और ब्रीफली आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जेड अल्फ़ाबेटिकल की जाएंगी, देखिए आपका आंसर ठीक है। कुछ अगर किसी भी क्वेश्चन को आप समझ के सोच के फिर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ठीक ही आएगा। नेक्स्ट कीजिए। जी यू आई मीन्स ऑफ जी यू आई इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बट इसमें गाइड यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है। कुछ आपको शॉर्टकट्स जो होती है उनको याद भी करना पड़ेगा, ये आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। ए एल यू आपका होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अदर्स इसमें मुझे लग नहीं रहा मैच कर रहे हैं कुछ, तो ये फर्स्ट आपको ठीक लग रहा है। टी डी एस क्या होता है? ये थोड़ा अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं सोचिए कि कंप्यूटर्स से ही रिलेटेड बिल्कुल आएगा। जो आपका ये थोड़ा सा अकाउंटिंग का, इसमें जो अकाउंटिंग लाइक टैली वगैरह में ये भी कंप्यूटर से टच होता है, तो वो वाला पार्ट एक तरह से है। टी डी एस आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपल कैन यू फाइंड ऑन सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आपकी बहुत सारी है साइट्स, उस पर आपको किस टाइप के लोग मिल सकते हैं? फर्स्ट म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी टाइप के मिल जाते हैं, ठीक है, ये भी आंसर हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है? इसमें मेरे को इंग्लिश में कुछ नहीं दिखाई तो मैंने इसका हिंदी ही चेक किया है। इसमें पढ़ते हैं हम बुलेटिन बोर्ड पर, मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में, मैसेज सेंटर पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। नेक्स्ट पर चलते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड का विस्तार, यानी जो आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो अलग अलग फाइल्स का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो इसमें जो नोटपैड की बात की गई है, वर्ड की बात नहीं की गई है। नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट जब भी विंडो इंस्टॉल होती है, नोटपैड अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, वो उसमें आपका टेक्स्ट होगा, वर्ड के लिए DOC होता है। इस पर टिक करते हैं, आंसर इज़ करेक्ट। विच साइन इज़ यूज टू अनक्लासीफाइड, इसमें अनक्लासीफाइड पर ध्यान दीजिए, मिलिट्री नेटवर्क इन द मीनिंग ऑफ डोमेन्स, लाइक जो भी आपके डोमेन्स होते हैं .com पे ख़त्म होते हैं, डोमेन्स मतलब जो साइट होती है उसके एंड में, .gov हमने देखा है, .edu भी देखा है, .mil थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो अनक्लासीफाइड नेटवर्क या MIL लग रहा है, ठीक है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। बॉन्ड जो है, व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड है आपका जो डेटा ट्रांसफ़र करने के यूज़ के पर्पज़ के लिए होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट यूज़र एक्सेस मेथड। यूज़र एक्सेस मेथड इसमें VSET होगा, बिकॉज मॉडम है वो भी यूज़र एक्सेस मेथड होता है, डायलर भी, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता जब अगर इसको हमने चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट पे जाते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट एक्सेस? इंटरनेट आप जो एक्सेस करते हैं, लैन और वैन तो एक उसका एरिया नेटवर्क है कि किस तरीके से वो यूज़ हो रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल काउंट्स के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं।
अ डिवाइस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑन मोस्ट होम कंप्यूटर्स। घर पे जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उसमें हम इंटरनेट मॉडम के थ्रू लेके आते हैं। मॉडम जो इंटरनेट का वायर मॉडम में लगता है, मॉडम से फिर अपने कंप्यूटर या वाईफाई वगैरह में यूज़ कर सकते हैं उसको। इंटरनेट यूज़ फॉलोइंग, इंटरनेट में आपके पैकेट सर्किट्स टेलीफोन स्विचिंग डेटा आपके पैकेट स्विचिंग यूज़ होते हैं। ई गवर्नमेंट यूजेस, ई गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट इंट्रानेट इंटरनेट नन ऑफ द अबव, ये इंटरनेट ही होगा बिकॉज सब जो भी आप इंटरनेट पे आएंगे वो इंटरनेट के थ्रू ही आते हैं। आईपीवी एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है, हाउ मेनी बिट्स इज लेंथ ऑफ आईपीवी एड्रेस। आईपीवी एड्रेस जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसको स्टैटिक आईपी देने के लिए आईपीवी एड्रेस में आईपी डाली जाती है, वो आपकी 32 बिट की होती है। वट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फोल्डर्स, विद द हेल्प ऑफ फोल्डर आप फोल्डर क्रिएट करते हैं किस पर्पज़ के लिए, ताकि आपकी फाइल अच्छे से सही प्रॉपर जगह पे मिल जाती। जैसे स्टूडेंट्स को हम कराते हैं तो स्टूडेंट का एक ड्राइव बनाया हुआ है, उसमें उनके फोल्डर के अंदर ही उनका डेटा स्टोर होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग फाइल ऑन द डेस्क। अ नेम ऑफ फाइल और फोल्डर डैश की इज़ यूज टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम किसी फाइल या फोल्डर का नाम देते हैं बाई डिफ़ॉल्ट तो फोल्डर वन या न्यू फोल्डर करके आता है, न्यू फोल्डर वन, बट अगर उसको नाम चेंज करना है तो F2 कीज़ शॉर्टकट है, ये हमारी पुरानी वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, जिसे फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, शॉर्टकट के थ्रू कैसे क्रिएट करना है, ये F2 उसको नाम देने के लिए है। यूज टू शो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, कंट्रोल एंड ऑब्वियसली न्यू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, ये आपका एक ही ऑप्शन बताया तो ये समझने वाली बात है कि ये नहीं तो ये ही होगा। अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसी पे टिक कीजिए, क्योंकि कंट्रोल एंड तो पता है आपको, न्यू के लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन इज टू अलाइन द लाइन सेक्शन टेक्स्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, कंट्रोल जे आपका जस्टिफाई होता है, कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए होता है, आप इस पे टिक करेंगे और इस रिजल्ट चेक करते हैं हम अपना, इसमें शो कर देगा 100% स्कोर। इसी तरीके से आपको 100% स्कोर अपने एग्ज़ाम में भी करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो इसको कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।